दोस्तों जब बात एनीमे सीरीज की आती है तो ड्रैगन बॉल जी सीरीज एक बहुत ही ज्यादा पुरानी और फेमस सीरीज है जिसका एक ना एक एपिसोड तो हम सभी ने देखा ही है। और इसी में अगर आपको भी ड्रैगन बॉल जी सीरीज बहुत ज्यादा पसंद है और उसी से रिलेटेड गेम्स को अगर आप अपने स्मार्टफोन्स पर खेलना चाहते हो तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्राई करने वाले हैं कुछ ऐसे मजेदार 5 बेस्ट ड्रैगन बॉल जी गेम्स जिन्हें आप आसानी से अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर तो खेल ही सकोगे। साथ ही इनमें से कुछ गेम्स के अंदर आपको बहुत ही अच्छे ग्राफिक के अलावा मजेदार गेम प्ले एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है जिससे ये सारे ड्रैगन बॉल जी गेम्स आपको पसंद आ सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं मजेदार गेम्स के बारे में जानने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर लो और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 200 लाइक्स का। और अगर आप चैनल पे नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑल पे कर लीजिएगा जिससे फ्यूचर में आने वाले गेम से रिलेटेड अपडेट्स को आप मिस नहीं कर पाओगे। तो गाइस बिना देरी के चले इस मजेदार ड्रैगन बॉल जी गेम्स की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे बस टू पावर गेम से। दोस्तों बस टू पावर एक बहुत ही मजेदार 3D RPG एक्शन गेम है और इस गेम के अंदर आपको ड्रैगन बॉल जी सीरीज के ही जैसे सिमिलर कैरेक्टर्स तो देखने को मिलते हैं मगर इन सारे कैरेक्टर्स का नाम आपको बिल्कुल ही अलग तरह का देखने को मिल जाता है। और बात करें इसके गेम प्ले स्टाइल की तो इसमें आपको ड्रैगन बॉल जी के ही जैसे सिमिलर मूव्स का इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट को डिफीट करना पड़ता है और उन्हें हराने के लिए इस गेम में आप अलग अलग तरह के फाइटिंग मूव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो जो इस गेम को ड्रैगन बॉल जी गेम का जैसा ही सिमिलर गेम बना देगा। और तो गोकू से लेकर वेजिटा जैसे अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करके आप अपने कैरेक्टर की पावर को भी इस गेम के अंदर अपग्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें तो बस टू पावर गेम एक बहुत ही शानदार 3D RPG ऑफलाइन गेम है जिसका साइज आपको 600 MB तक देखने को मिल जाता है और 600 MB में आपको ठीक ठाक ग्राफिक्स भी इस गेम में देखने को मिल जाएंगे जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हो। गाइस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले गेम का नाम है लेजेंडरी फाइटर बैटल ऑफ गॉड। दोस्तों लेजेंडरी फाइटर गेम भी एक बहुत ही शानदार RPG फाइटिंग गेम है और इस गेम के अंदर भी आपको ड्रैगन बॉल जी के सारे कैरेक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जिन्हें सेलेक्ट करके आप इस गेम के अंदर अलग अलग तरह के फाइटिंग कैरेक्टर के साथ फाइट कर सकते हो। साथ ही हर कैरेक्टर के पास अपनी यूनिक स्किल और एबिलिटी होने की वजह से इस गेम को खेलते वक्त आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और बात करें इसके गेम प्ले एक्सपीरियंस की तो ऑफलाइन गेम होने की वजह से इस गेम को आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर एंजॉय कर सकते हो। साथ ही साथ बहुत ही कम बटन होने के साथ ही सिंपल कंट्रोल्स होने की वजह से इस गेम को खेलते वक्त आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें तो 37 MB का साइज होने के बावजूद इसमें आपको ठीक ठाक ग्राफिक देखने को मिलेंगे जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हो। गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगले गेम का नाम है ड्रैगन बॉल जी सिन बुडाकाई। दोस्तों ड्रैगन बॉल जी सिन बुडाकाई एक बहुत ही शानदार फाइटिंग गेम होने वाला है और इस गेम के अंदर आपको काफी अच्छे हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही साथ इसमें आप गोकू गोहान के अलग अलग तरह के फॉर्म कैरेक्टर्स को भी आसानी से सेलेक्ट करके इस गेम के अंदर फाइट कर पाओगे। और तो इस गेम के अंदर भी हर कैरेक्टर के पास अपनी यूनिक स्किल्स और पावर होने की वजह से ये गेम आपको ड्रैगन बॉल जी की तो याद दिला ही देगा। इसके अलावा इसमें आपको बहुत सारे फाइटिंग मूव्स भी अनलॉक करने को मिल जाते हैं जिससे ये गेम एक बहुत ही शानदार फाइटिंग गेम और ड्रैगन बॉल जी टाइप का गेम बन जाएगा जिसे खेलने के लिए सिंपली आपको अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर PPSS PP एमुलेटर की जरूरत पड़ेगी और इस गेम के ISO फाइल को अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर डाउनलोड करके आप इस गेम को आसानी से अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर एंजॉय कर सकोगे। गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले ड्रैगन बॉल जी गेम का नाम है लास्ट वॉरियर अल्टीमेट फाइट। दोस्तों लास्ट वॉरियर अल्टीमेट फाइट गेम भी एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी टाइप का फाइटिंग गेम है जिसके अंदर आपको टर्न बेस्ड फाइटिंग गेम प्ले खेलने को मिलता है और इस गेम के अंदर आप एक टाइम पर 3 अलग अलग तरह के प्लेबल कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करके अपने अपोनेंट के साथ फाइट कर सकते हो जिसमें आपको बारी बारी से अपने अपोनेंट को अलग अलग तरह के मूव का इस्तेमाल करके हराना पड़ेगा।
जिसके अंदर आप गोकू वेजिटा से लेकर अलग अलग तरह के सुपर फाइटर कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करके इस गेम को विन कर सकते हो। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें तो 500 MB का साइज होने के साथ ही इसमें आपको बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स तो देखने को मिलेंगे ही, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी गेम का नाम है ड्रैगन बॉल लीजेंड्स। दोस्तों ड्रैगन बॉल लीजेंड्स गेम भी एक बहुत ही शानदार 3D फाइटिंग गेम है, मगर इस गेम के अंदर आपको फाइटिंग करने के लिए कोई भी कंट्रोल्स बटन देखने को नहीं मिलते हैं। सिंपली आपको स्क्रीन में टैप टैप करके अपने अपोनेंट के साथ फाइट करने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको नीचे अलग अलग तरह के कार्ड को सेलेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाइटिंग मूव का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे ये गेम दिखने में एक कार्ड फाइटिंग गेम बन जाता है। और तो और इस गेम में आप गोकू से लेके वेजिटा के बहुत सारे फेवरेट मूव्स को भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें तो इस गेम के अंदर आपको ड्रैगन बॉल जी के सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इस गेम का साइज 100 MB का होने की वजह से इसमें आपको ठीक ठाक 3D ग्राफिक देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस ये थे कुछ मजेदार ड्रैगन बॉल जी गेम्स जिन्हें आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर आसानी से एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाले गेम्स से रिलेटेड अपडेट्स को आप मिस नहीं कर पाओगे। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा ड्रैगन बॉल जी गेम पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।